मौका नहीं दीजिएगा। तो आप अध्यक्ष आप बताइए ना, आप बात करिए सरकार से, आपको वहाँ बैठक में बुलाया जाता है, सभी जिला परिषद के जितने भी अध्यक्ष हैं सबको पटना में मीटिंग होती है। आप लोग अपने बैठक में आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं कहते हैं कि बैठक में मुद्दा रखेंगी कि 3 दिवसीय। बिहार के गया जिला परिषद की सामान्य बैठक जिला परिषद के सभागार में शनिवार को आयोजित की गई, जिसमें जिला परिषद के लगभग सभी सदस्य एवं वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए। तभी बैठक के दौरान फतेहपुर प्रखंड की जिला पार्षद श्वेता यादव आक्रोशित हो गई। वे बैठक का बहिष्कार करते हुए जिला परिषद के सभागार से बाहर आकर सड़क पर बैठ गई। अचानक इस तरह से महिला सदस्य को सड़क पर बैठा देख आसपास के लोग जुट गए। उनका आरोप है कि बैठक के दौरान जब अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने लगी तो जिला परिषद के अध्यक्ष नैना कुमारी द्वारा बोलने से रोक दिया गया। इसी से नाराज होकर बैठक से बाहर निकल गई और सड़क पर बैठ गई। इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। वहीं मौके पर मौजूद जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी के पति धर्मवीर सिंह उन्हें काफी मान मनोवल कर रहे और बैठक में शामिल होने के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन वे नहीं मानी। वहीं जिला परिषद सदस्य श्वेता यादव ने बताया कि वर्ष 2022 के फरवरी माह में पहली बैठक हुई थी, तब हमने जिला पार्षद सदस्यों को शहर में रहने के लिए कमरा उपलब्ध कराने की बात कही थी ताकि कार्य करने में सहूलियत हो। हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, ऐसे में यहाँ शहर में रहने की व्यवस्था न होने से काफी समस्या होती है। पिछली बैठक में भी इस बात को रखा था, लेकिन प्रोसीडिंग में इस बात को हटा दिया गया। आज की बैठक में भी हम अपने क्षेत्र की पेयजल, सड़क, स्कूल सहित अन्य कई समस्याओं को रखने का कार्य कर रही थी, तभी जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी हमें बोलने से रोकने लगी। उनका कहना था कि हम अपने क्षेत्र की समस्या को ना रखें। आखिर वे ऐसा क्यों कर रही हैं? सदन में सबको अपने क्षेत्र की समस्या को रखने का अधिकार है, लेकिन नैना कुमारी हमें लगातार बैठक में अपनी बातों को रखने से रोक रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जिलाधिकारी मौके पर नहीं आते तब तक हम सड़क से नहीं उठेंगे और यहीं बैठे रहेंगे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट। इसमें बहुत सारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मामला है। 12 फरवरी को हम लोगों का 2022 में पहला बैठक हुआ था। उसमें सर्वसम्मति से सबसे पहला बात था कि सभी जिला परिषद सदस्यों के लिए, जो भी है स्त्री पुरुष सारे के लिए, एक दो रूम का हो या एक रूम का हो, छोटा छोटा बिल्डिंग में मकान के रूप में एक दे दिया जाएगा तो गया में रहने के लिए और काम करने के लिए सुविधा होगी। उसमें प्रोसीडिंग में नहीं लाया गया। हम लोग रोड के लिए लिख करके देते हैं, पानी के लिए देते हैं और बहुत सारे स्कूल जैसी समस्याएं हैं, पुल जैसी समस्याएं हैं, वो इसमें अंकित नहीं किया। जब इस पदाधिकारी आए हुए हैं, जब यहाँ बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव रैंक के पदाधिकारी को आना है तो वो छोटा प्रतिनिधि भेज देता है, जिसको ना कुछ उसके बारे में कुछ संतुष्टि पूर्वक जवाब ही नहीं दिया जाता है, न दे सकते, तो आखिर उन लोगों को क्यों एंट्री किया जाता है? एक मिनट में मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सब तो ठीक है, आपकी प्रोसीडिंग है और ये सब काम नहीं हो रहा है, होता है, ठीक है। अभी ऐसी क्या बात कह दी उन्होंने कि आप भड़क गए? अभी हमने यही बात कह रहे थे, हम यही बात कहें कि प्रोसीडिंग में आखिर बातें क्यों नहीं पूरी आती है, तो एक मिनट भी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, दूसरा मुद्दा आएगा, तो पहले हमारा मुद्दा समाप्त हो तब ना दूसरा मुद्दा लाइएगा। सबसे आप लोग खुद मीडिया के भाई हैं, हम आप लोग से भी आग्रह करते हैं। उन्होंने केवल बैठने की बात आपको बार बार कहा, वो बार बार पिछले बार से मैं कह रही हैं, ये मत बोलिए, चूंकि सदन में हम बोलते हैं इसलिए हमको जो लोग सवाल उठाता उनको बैठा दिया जा रहा है कि आप बैठ जाइए। इस बात से आप नाराज? हम नाराज हैं, चूंकि सवाल आप उठाने नहीं दीजिएगा तो पदाधिकारी आए, वो कैसे उनसे बात होगी, वो क्या कहे, आखिर क्यों कच्ची? आजादी के बाद मेरे क्षेत्र में 5 ऐसे सड़क है जो आजादी के बाद अभी बना नहीं है, तो हम किनसे बात करेंगे, किनसे सवाल करेंगे? क्या चाहती हैं? वो सड़क बने, हम लोग को बोलने का कम से कम 5 मिनट बोलने का भी दीजिएगा ना समय, कि 5 मिनट भी बोलने का समय नहीं दिया जाएगा पार्षद को, तो पार्षद सिर्फ यहाँ दस्तखत करने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं?